रूसो को जहाँ बहुत सराहा गया बहुत सताइश मिली वहाँ उस पर तनकीद भी की गई एंड क्रिटिक्स ऑन रूसो से दैट द एम एल इट मस्ट बी स्टेटेड इज ऑफन इ लॉजिकल इरेटिक एंड इनकन्स्टेंट रूसो कॉन्स्टेंटली स्वेज फ्राम ऑप्टमिज़म टू पेसमिज़्मिटी टू अथॉरिटी फ्राम लिबरलिज्म टू इंटॉलरेंस यहाँ यह बयान किया जा रहा है कि वो अपने किसी एक ख्याल में और अपने बयान में कंसिस्टेंट नहीं है आ, कभी तो वो आ, बहुत ज्यादा लिबरल हो जाते हैं कभी वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं कभी वो बिल्कुल रैशनल के अगेंस्ट बातें हैं जो एमएल में बयान की गई हैं और कभी वो बातें जो हैं वो बहुत रैशनल होने आ, की कोशिश भी कर रही हैं लेकिन इस पॉइंट पर ये देखना जरूरी है कि इस सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद और इन सब इनकनसटेंसीज जो कि रूसो के काम में पाई जाती हैं एम एल हैज़ बीन एट ऑल टाइम्स कंसिडर्ड अ ग्रेट वर्क ऑफ रिचनेस एंड पावर और एम एल को हमेशा सराहा गया एक बहुत मज़बूत और एक बहुत ताकतवर टेक्स्ट के तौर पर रिवोल्ट अगेंस्ट सिविलाइजेशन दी हाईली क्रिटिसाइज्ड फीचर ऑफ रूसोज़ फिलासफी हेज़ बीन हेज़ एक्सट्रीम रिवोल्ट अगेंस्ट सिविलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल रूसो के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी तनकीद है वो ये है कि वो जो सोशल कंट्रोल और सिविलाइजेशन से दूरी की बात करते हैं और वो उसके अगेंस्ट जाने की बात करते हैं ये दो बहुत बड़ी बातें हैं जो उनके अगेंस्ट है जो कि किसी भी तरह इंसानी माशरों को आ, या इंसानी माशरती इकदार को सबड्यू uh, करने वाली बात है इसमें इसके इग्नोर करने की बात है कि उन सब का इन्फ्लुएंस बहुत इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन वो रूसो उसे यकसर मुस्तरद करते हुए नज़र आते हैं एंड देन क्रिटिक्स क्रिटिक्सो बिलीव दैट दिस एंटी सोशल एजुकेशन इज अब्जर्ड एंड दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी रियड इन अ सोशल वैक्यूम क्रिटिक्स का ये भी ख्याल है कि इस किस्म की जो एंटी सोशल यानी गैर गैरमाशरी तालीम जो है वो uh, मौज़ों नहीं है क्योंकि बच्चों को किसी तरह भी एक uh, माशरती खला के अंदर बड़ा नहीं किया जा सकता तन्हाई में नॉर्मल लोगों से दूर माशरे से दूर उन्हें बड़ा करना किसी तौर पर भी, भी मुफीद और uh, मौजू नहीं है एंड दिन अ चाइल्ड कैनट बी कैप्ट अवे फ्राम सोसाइटी फॉर ही मस्ट लर्न टू डिवेल्प सोशल क्वालिटीज़ एट अंगर एज और बच्चों को अगर माशरे से दूर रखा जाएगा तो वो अपने अंदर वो माशरती क्वालिटीज़ कैसे डिवेलप करेंगे जो एक माशरे में बढ़ने पन अपने और रहने के लिए जिनकी ज़रूरत है ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर हम बच्चों को जितना दूर मुशरे से रखें और उन चीज़ों से जिनके साथ उनका एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो वो उतना ही कम सीखेंगे वो उतने ही कम डिवेलप होंगे वो उतना ही उनकी सोशल स्किल्स भी कम होंगी एंड फाइनली रूसो no restriction द नो critics पॉलिसी एंड questioned Rousseau's पॉलिसी ऑफ giving the चाइल्ड अ फ्री रेन एंड टू लेट हिम ग्रो विदाउट restrictions। अब रूसो के ऊपर एक तनकीद ये भी है कि वो बच्चे को बिल्कुल आज़ादी से बड़ा करने के कायल है और चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जो कुछ वो बच्चा करना चाहता है वो ही कुछ वो करे जो कि किसी तौर पे भी मौजू नहीं है तनकीद नकारों के मुताबिक अ चाइल्ड मे लर्न फ्राम एक्सपीरियंस बट आल्सो नीड्स गाइडेंस एट वेरियस स्टेजेज़ ऑफ लाइफ बच्चे एक्सपीरियंस हैं तो सीखते हैं लेकिन उन्हें गाइडेंस की भी ज़रूरत है ज़िंदगी के बहुत सी लम्हों में बहुत सी जगहों पर बहुत से मकाम पर